तो है ये हैकर है भाई। चेक के यहां पे आया चेक रहे साला। और तो गाइस यार पहले बंदे देखो आप कितने सारे बंदे उतर रहे, कम से कम नहीं तो 10, नहीं 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन 5 से 6-7 स्क्वाड तो उतर ही रही है भाई, ठीक है। और पीछे लेजेंड एक्स उतर जाता है, सो मैं उसके आगे चला गया, मेरे को नहीं भाई लफड़े में पड़ना था, आराम से पहले लूट चाहिए उसके बाद जो है फाइट करेंगे। अब यहाँ पर गन मिल भी जाती है तो मैंने सोचा चलो यार ठीक है लड़ने चलते हैं, फिर नहीं वैसे तो मैं मर जाऊँगा वहाँ पर जाके। सो पहले मैंने सोचा यार अच्छे से एकदम बेस्ट वूस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फाइट करेंगे, क्योंकि जो लेजेंड है वो तो सामने उतर रखा है और दूसरा टीममेट भी अपना वही है तो वहीं पे जाना होगा। वेस्ट जैसे मेरे को मिलती है तो बस अपना काम जो है अभी पूरा हो गया था, अब जो है सिर्फ और सिर्फ एक हीलिंग चाहिए थी और बस 2-3 ग्रोजा फ्रोजा और मिल जाती तो वो भी बढ़िया हो जाता, बट मैं थोड़ा सा और लूट की जो है इच्छा रखते हुए और पीछे आ गया क्योंकि भाई मेरे को कुल मिला के भिड़ना ही नहीं था वहाँ पे। सो अब कुल मिला के जो है अपन चलते हैं भाई एकदम आराम से, जब लूट वाट कर लिया आधे बंदे ख़त्म भी हो गए लड़ झगड़ के, और उसके बाद भी मैं कम से कम नहीं तो 8-10 सेकंड वेट करता हूँ आगे, मतलब सोच लेते हैं पहले आगे घुसना है कि नहीं, क्योंकि मर सकते भाई इतने सारे बंदे, एक एक बिल्डिंग में ना 2-2 टीमें घुसी हुई हैं। फिलहाल मैं जो है पूरी, मैंने जैसे लेजेंड एक्स का ये नॉक देखा तो मैं भी घुस गया, मेरे में भी जान आ गई और देखो कैसे ऊपर वाले को भर गया। अब ये जो ऊपर वाला बंदा था ये बाहर की साइड ना, मतलब जो बाहर फाइट हो रही थी उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, देखो इजीली मारते इसको, तो ऐसा ही होता जब आपका ध्यान नहीं होता पीछे से आके कोई भी मार जाता है। फिलहाल नीचे देखो और फाइट हो गई, लेजेंड एक्स नॉक हो गया, और लेजेंड एक्स नॉक क्या हुआ भाई, इन्होंने जो है पूरा का पूरा लेजेंड एक्स को फिनिश कर दिया और मैं जाके उसकी पेटी का सारा सामान उठा लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे लेजेंड एक्स को तो बचा नहीं सकिया क्योंकि जैसे नॉक हुआ तो वैसे फिनिश भी कर दिया था सामने वाले ने जो भी था वो बंदा। अब अपन दो ही बचे थे यहाँ पे और बाकी के बंदों को हमको ठिकाने लगाना था। अब मैंने बंदे उस जगह पे देखे थे, फिलहाल इस वाली बिल्डिंग में भी मेरे को जो है पहले वो देखो ऊपर मिनिमम में फुस्टेप आता है, सो मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे, फिर मारने की भी ट्राई करता हूँ एक बार, तो लेकिन यार एंगल सा नहीं बनता, फिर मेरा टीममेट आता है और वो पागलों की तरह घुस जाता है, लेकिन मैंने पीछे से जो है उसको पूरा एकदम कह सकते हो कि सपोर्ट दिया और फिनिश कर दिया ये वाले बंदे को, और यहाँ पे जब अपने टीममेट को बचा लिया। लेकिन कुछ बंदे यहाँ पे और बच रहे थे, मैंने आपको दिखाया भाई कितने सारे बंदे उतर रखे थे, आधे तो लड़ झगड़ के मर गए, अब बाकी मेरे हाथों मरेंगे। अब सबसे पहले जाएंगे ये वाली बिल्डिंग में, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग में जो होना है क्योंकि ज़्यादा बंदे भाई यही वाली बिल्डिंग में है, सो देखो कैसे पेलते हैं इनको भी। यहीं पर रहता एक बंदा, इसको फिनिश किया। अब बारी थी भाई बाकी के बंदों की, क्योंकि ये तो फिनिश हो गया पूरा का पूरा, तो मतलब इसकी टीम गई, तो इसके जो 4 बंदे थे वो भी किसी और ने खत्म कर दिया, तो भाई बाकी का बचाओ एक बंदा हमने मार दिया। अब आते हैं यहाँ पे मैं थोड़ी सी एमो लेता अपनी टीममेट से, क्योंकि यार एमो थी नहीं मेरे पास, तो अब आते हैं और देखो कैसे बढ़ते एक एक करके, बंदे तो काफ़ी थे यहाँ पे। भाई इनकी क्रॉस फील्डिंग देखो जरा, एक यहाँ पे था और दूसरा भाई एकदम घुटने के बार बैठ के जैसे रॉकेट लॉन्चर चलाते ना कुछ उस प्रकार के पोज में था भाई वो बंदा। फिलहाल यहाँ पे भी एक बंदा था, थोड़ा फ्री फायर दिया, लेकिन भाई जाते जाते ले गया वो बंदा शॉट गन से मेरे टीममेट को, है दूसरी अभी शेल पड़ा हुआ था उस पर तो मार सकता था वो मेरे को दूसरे पैलेट से, बट तुम्हारा भाई बच गया वहाँ पे। थोड़ा सा लक भी कह सकते हो, थोड़ा टाइमिंग भी कह सकते हो, चलो थोड़ी तारीफ ही कर दो मेरी कमेंट सेक्शन में तो टाइमिंग अच्छी थी यार वहाँ पे। फिलहाल आते हैं यहाँ पे और यहाँ से पहले तो मैं नीचे कूदता हूँ, दो फ्री के किल मिलते हैं यहाँ पे जो कि मैंने चुरा लिए चुपके चुपके से, उससे पहले कि मेरा टीममेट आता। अब आते हैं यहाँ पे, एक और फ्री का किल मिला। फिलहाल यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर हो चुका था, अब बारी थी भाई यहाँ से निकलने की, मतलब जब सब बंदे क्लियर हो जाते हैं तो भाई जो भी बचे कुचे बहुत है वो भी देखने को मिल जाते हैं आपको। अब हम सबसे पहले तो वहाँ से बगी लेके निकले एंड उसके बाद पहुँचते अपन ये वाली जगह पे सीधा स्कूल के अंदर। बाहर एक गाड़ी आ रखी थी जस्ट, वो भी हमारे जैसे, वो देखो ओपन में दिखते बंदे, तो मैं नेट मारने की ट्राई करता हूँ बंदों पर, लेकिन यहीं पर छूट जाता है। और अब यहाँ पर फाइट थोड़ी सी तगड़ी होने वाली है और बंदे भी ज़्यादा आ गए यहाँ पर। फिलहाल 2 टीमें आ गई हैं, तीसरे यहाँ में, तो देखो क्या होता है।
आप इसकी तरह गलती मत करना। नहीं नहीं अभी 1x बेट की बात नहीं करने वाले, मैं जस्ट और फाइनली सारी की सारी टीम खत्म। तो आप इन सभी की सभी जो टीममेट्स हैं इनकी तरह गलती मत करना। नहीं यहाँ पे 1x बेट की बात नहीं कर रहा, सही में ध्यान दे रहा हूँ, आप इनकी तरह गलती मत करना, क्योंकि भाई ऐसे घुस रहे हैं ये, मतलब इतनी भीड़ भड़ा के, मतलब वैसे भी जब घुसते हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता यार, आदमी कई बार तो सामने वाले की फायरिंग सुन के अंदाजा लगाता है कि बंदे कहाँ हो सकते हैं, लेकिन जब इतने भसड़ में घुसोगे ना तो कुछ पता नहीं लगता। और फाइनली अब जाके मैं कहूंगा कि आप मेरी तरह भी गलती मत करना। स्मोक डाल, पहले अंदर स्मोक डाल दे घर में, बाहर से स्मोक डाल घर में। फिर लेजेंड यहां पे थोड़ा सा ज्ञान दे रहा था लेकिन उसने नेड पहले फेंक दिया था तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए मत बस पहले पीछे हो जा, पीछे हो जा। और फाइनली यार मैं यहाँ पर जो फिनिश हो जाता हूँ। वैसे भाई मैं फंसा ही ऐसी जगह पे था जहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, मेरा टीममेट आके शायद फाइट ले सकता था वहाँ पे। तो अब जाके फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरह गलती मत करना। नहीं यहाँ पे 1x बेट की बात नहीं कर रहा मैं, बस मैं बता रहा हूँ कि आप मेरी तरह गलती मत करना। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो इसको जो बेचारा ऑफलाइन हो रहा था तो उसको मारा, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे क्या सीन बैठता है। मेरे को जो है सामने वालों ने डैमेज दे रखा था तगड़ा वाला, तो पूरी लेवल 3 के वेस्ट का आ गए थे यार, पूरी हेल्थ का आ गए थे, तो बचा कुछ नहीं था। अब जैसे तैसे करके हमने भी इनका एक बंदा नॉक कर दिया और देखो फिर कैसे भरते इनको। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, एक आधा बॉट तो मिलता ही है आपको, तो पहले उसको ख़त्म करो। और फाइनली अब जरा आप ये देखना यार, ये क्या था भाई, कितनी स्पीड देख रहे हो, कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। वैसे ये जो धुआं देख रहे हो भाई, बहुत सारे लोग स्ट्रीम पे मेरे को बोलते हैं कि भाई लेवल 3 कर दो, लेवल 5 कर दो, AKM को हम स्पॉन्सर कर देंगे। तो भाई अभी मैंने जो है स्पॉन्सर्स के लिए कुछ पर्क बनाई नहीं है, ना ही मैं कोई भी स्पॉन्सर लेता हूँ ऐसा UC का, तो देखते हैं आगे जाके। कल की वीडियो में मैं स्पेशल पर्क बताऊँगा आपको, ठीक है, तो आप मेरे को स्पॉन्सर भी कर सकते हो, ठीक है, थ्रू द डिस्कॉर्ड, एंड आपको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलेंगे, वो भी सारी जानकारी जो आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो आपको रोल वॉल सब कुछ एकदम बेस्ट मिल जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई हम UC करते हैं आप जस्ट अपग्रेड करो, तो मैंने बोला ठीक है भाई, जब सामने से आ रही है तो क्यों ना ली। फिलहाल यहाँ पे देखो कैसे भरते हैं इनको, पहले इन सब में एक समझदार आदमी था ये सीढ़ी वाला, और बाकी तो दोनों के दोनों मूर्ख थे भाई, तो आप उनकी तरह गलती मत करना। फाइनली आप ट्राई कर सकते हो 1x बेट, जहाँ पे जो है आप प्रेडिक्शन कर सकते हो मैचेस में, एंड बहुत सारा ढेर सारा इनाम जीत सकते हो, जिसका आप अपने बैंक में भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस जहाज वाले की तरह भी गलती मत करना, मतलब देखो ड्रॉप पे लैंड हुआ सीधा जहाज लेके, ठीक है। फिलहाल इसको देखो कैसे भरते हैं, बाकी की बातें करेंगे बाद में, पहले तो हमने ठोकर मार के इसको गिरा दिया। अब देखो जरा भारती दीदी गई और इसके टीममेट भाग गए इसको छोड़ के। खैर जो 1x बेट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिन करके, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और मेरा बोनस कोड यूज़ करोगे गेमिक्स प्रो फुल कैपिटल में, तो आपको मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा बोनस जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो। खैर इस बंदे को देखो आप कैसे भरते हैं, एक बंदे को एक को तो पूरा मारा, ठीक है। मेरा टीममेट तो भाई हर किसी को हैकर हैकर बताता तो रहता है, इसकी बातों पर विश्वास ना किया करो। एक पल के लिए तो ये अपने टीममेट को भी डरा देता है, किसी बंदे को बोल देगा हैकर है और हमारी यहाँ पे फटके चार हो जाएगी कि भाई अब कैसे भरे सामने वाले को। फिलहाल देखो कैसे भरते हैं, यहाँ पे 1v4 करते हैं, एक को तो पूरा फिनिश कर दिया है, बाकियों को अब देखो कैसे भरते हैं। जस्ट सी फ्लाइंग करता हूँ मैं, दो को मार चुका हूँ अभी तक, और फाइनली 1v4 कर दिया भाई। तो इस बात के लिए लाइक तो बनता है यार गाइस, क्या कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे तुम लोग। सो मेरा टीममेट भी है पहला गया बेचारा, बट वो भी तारीफ कर रहा है भाई, बट खैर उसके बाद आते हैं यहाँ पे। वैसे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो मेरे दूसरे चैनल लेजिट पे आज रात
हर रात वैसे तो अपन फन स्ट्रीम करते हैं, मोबाइल पे ग्राइंड करते हैं, अलग अलग सेंसिटिविटी ट्राई करते हैं और सब लोग खेलते हैं मिलके। तो आप लोग भी आ सकते हो, कस्टम खेल सकते हो, बस हैक लगा के बता जाना, क्योंकि जब जब मैंने कस्टम किया है लोंडे क्या करते हैं कि भाई हैक लगा के आ जाते हैं लाइव में, तो मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो लेजिट पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब फिलहाल देखो इस वाली टीम को भी कैसे भरते हैं। एक बंदे को मैं निपटा चुका हूं, जिसको पूरा फिनिश करके जाऊंगा मैं यहां पे, क्योंकि देखो यार सामने वाला भले फिनिश कर दे तो हम उसको दो गाली दे देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो नहीं सोचते हम, तो भाई फिनिश करेंगे इसको साले को। अब यहाँ पे फिलहाल बाकी के बंदे अभी बचे हुए हैं, तो उनको भी देखो कैसे निपटाते हैं। पहले तो देखो भाई ये मेरे साथ बहुत होता है, जस्ट देखो गलत जगह पे नेट फेंकना था तो भाई बिल्कुल साफ साफ चला गया। अब वहाँ पे नेट फेंकूंगा जहाँ पे बंदे हैं, जस्ट देखना मेरे को सर भी दिखते हैं उनके, ये दिखा सर लेकिन नेट कहाँ गिरा, बाहर। ऐसा बहुत होता है मेरे पास। उसके बाद तो कहाँ जितने मर्जी नेट फेंक दो वो बंदे नहीं आने वाले आपके जेद में। फिलहाल अब ऊपर जाके मारना पड़ेगा एक को पहला, इसको तो भर भर के गालियाँ पड़ रही होंगी क्योंकि बेचारा हील कर रहा था यार वो बंदा, तो उसका टीममेट भी बोल रहा होगा घुसड़ के तेरे को भी वही हील करना था जब वो बंदा आया। फिलहाल उसको फिनिश किया और अब वहाँ से निकल पड़ते हैं। 25 किल हो गए हैं लेकिन कुछ अभी भी बचा हुआ है भाई, अभी भी दो बंदे और बचा हुआ है, एक तो मेरे को दिखता है जस्ट इसके अंदर। अब इस बंदे को भी पेड़ना था, लेकिन देखो यार ये क्या ही खतरनाक आदमी था, मतलब खड़ा रह रहा है कि भाई ग्रोजा के ऐसे ऐसे बुलेट चला रहा था ये। सबसे पहले तो मैं जो है नेट मारता हूँ सीधा कोने पे, अब देखो क्या होता है। मेरे डैमेज करने से ज़्यादा उसने मेरे को डैमेज कर दिया भाई, और जबकि मेरे पे एमके थी, खैर उसके पास भी ग्रोजा थी कहने को। तो फिर यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैंने अच्छे से जो है हील कर लिया, कुछ ज़्यादा ही दूर भाग के आ गया मैं, मेरे जैसा वो बंदा रहता था वो भी भाग के दूर स्कूल चला जाता हील करने के लिए, लेकिन नहीं वो वहीं पे था टीपी भी ले रहा था मस्त। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली साइड पे नेट फेंक दिया मैंने और दूसरी साइड पे क्या करता हूँ रश कर देता हूँ। अब ये टेक्निक काम आती है मेरे एक्चुअली, देखो कैसे भरते हैं इस बंदे को, फिनिश किया इस बंदे को इजीली फिनिश किया। अब बारी थी सिर्फ आखिरी वाले बंदे की, और आखिरी वाले बंदे को देखो कैसे भरते हैं। फिलहाल आखिरी जो बंदा बचा हुआ था वो कहाँ था नहीं पता, लेकिन जब घूम रहे थे तो ये गाड़ी दिखती है, तो मतलब यहीं कहीं आसपास ही था बंदा। अब थोड़ा सा ना मैं पहले घुमाता हूँ इस गाड़ी के आसपास ही, स्पोर्ट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये गाड़ी में फ्यूल खत्म था तो बंदा ना हल्का सा चल के थोड़ा इधर उधर निकल लिया था। अब थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ, और जैसे मैं इस जगह पर पहुँचता हूँ मेरे को ऊपर से हल्की सी आवाज़ आती है, देखो कोई फुटस्टेप नहीं आया, सिंपल सी बात है आवाज़ आती है हल्की सी। अब मेरे को बंदा दिख भी जाता है हल्का सा जब मैं मौली फेंकता हूँ पेड़ पे और रश करता हूँ, वो देखो दिखा ज्यादा मार देगा तू आराम से मार देगा। और किस्मत मेरी अच्छी थी कि भाई जैसे मैं निकला उसको मारने के लिए तो वो बेचारा ऑलरेडी जल चुका था। सो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई, कई बार क्या होता है कि मौली हल्की सी पीछे गिरती है लेकिन हमको लगता है कि पेड़ के जस्ट बाजू में गिरी है तो वो बंदा जल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सो दैट्स इट यार, यही तो गेम प्ले होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, बहुत भूख लग रही है भाई क्योंकि खाना नहीं खाया है, बिना वॉइस ओवर मतलब बिना खाना खाए वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार इसके लिए। एंड जाके यार फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, अब कितनी बार कहूँगा आपको बताओ, रोज़ रोज़ कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी 600 के करवा दो यार इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग देख रहे हो जाके फॉलो करो तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे। कुछ ज़्यादा ऐसा है तो नहीं मेरे पास दिखाने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो शेयर करता रहूँगा जो मेरे पास कुछ भी होगा शेयर करने के लिए। तो जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मेरे को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइव पे भी जाके फॉलो कर लेना। और उससे पहले कि यार मेरे को एक आधा प्रमोशन और याद आए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।